त्रिपुरा में खुले में नमाज पढ़ने का मुद्दा लगातार फूल पकड़ रहा है। साथ ही इस पर कुछ हिंदू संगठन खुले में विरोध करने उतर आए हैं। मिशन हिंदू ही आगे के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह भारद्वाज ने इसको लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि खुले में नमाज पढ़ने वाले बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो हरियाणा में हालात खराब करना चाहती है। विजय भारद्वाज ने कहा कि इसे लेकर सरकार गंभीर नहीं है। गुरुग्राम की ही तरह पंचकूला में भी हालात बनने लगे हैं। इस दौरान हिंदू स्वाभिमान की राष्ट्रीय अध्यक्ष यतिमा चेतनानंद सरस्वती ने नरसिंहानंद सरस्वती महाराज की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर आरोप लगाए और बांग्लादेशियों की लगातार बढ़ रही संख्या को चिंता का विषय बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में हिंदू गुरुओं का लगातार अपमान किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सिर्फ हमने इसलिए की है कि हम यहाँ से जितने अपमानजनक तरीके से एक संत को गिरफ्तार किया गया, और अपमानजनक तरीका इसलिए है कि ना तो हमें ये बताया गया कि उनको कहाँ रखा गया है। जितने जो लोग अपनी सोर्सेज से पूछ के वहाँ पहुँचे उनको भी सबको अरेस्टिंग देनी पड़ी, उनको सबको अरेस्ट कर लिया, और जिस चारों तरफ से गाड़ियों से घेर कर, पहले से सूचना थी, पूरे प्रशासनिक तंत्र को सूचना थी कि गुरुजी आने वाले हैं, कोई अननोइंगली हम लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी एक आतंकवादी को जिस तरीके से अरेस्ट किया जाता है उस तरीके से चारों तरफ से घेर के गाड़ियों को बीच रास्ते में रोककर अरेस्ट कर लिया गया। सीएम आवास तक नहीं जाने दिया, अपनी बात नहीं पहुंचाने दी। तो आज ये लगता है, हम आपके माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि आज ये लगता है कि सारा प्रशासनिक तंत्र और सारा राजनीतिक तंत्र आज मानसिक रूप से इस्लामिक गुलामी स्वीकार कर चुका है, और एक धर्मगुरु जो सिर्फ अपने धर्म को बल देने के लिए, अपने धर्म की समस्याओं को बताने के लिए जगह जगह घूम रहा है, आज पूरा तंत्र इस्लामिक गुलामी स्वीकार करके इस कार्य में लगा है कि वो किसी भी तरीके से ऐसे धर्मगुरु को, जिसने लगता है कि आप देख लीजिए पूरा हरियाणा आज हिंदू बाहुल्य है, एक मेवात एक जिला है उसको छोड़ दीजिए, और मेवात की स्थिति आप देख लीजिए, मेवात में जिस तरीके से इस्लामिक जिहादी चीज़ों को, घटनाओं को अंजाम देते हैं, वह कोई भी हिंदू सम्मान से सर्वाइव नहीं कर सकता। तो आज ये बहुत स्पष्ट है कि हरियाणा को इस्लामिक जिहादी कैप्चर करना चाहते हैं। पूरा हरियाणा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे में कहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर लोग आ रहे हैं, कहाँ से वो लोग, कौन लोग हैं वो, इसकी जांच का, ये जांच का विषय था। और यही हमारी सबसे पहली मांग थी कि ये जांच होनी चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की तादाद में, ऐसे क्षेत्र में जहाँ सिर्फ हिंदू रहता है, कहाँ से इतनी बड़ी संख्या में इस्लामिक जिहादी आ रहे हैं। ये हमने प्रशासन से मांग की थी, वहाँ डीसी से मांग की गई थी, लेकिन इसके विपरीत डीसी ने हर चीज़ को नज़र, हर इस मुद्दे की गंभीरता को नज़रअंदाज करते हुए डीसी ने सबसे पहले जो काम करा वो ये किया कि 76 सेक्टर मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए ताकि उन इस्लामिक जिहादियों को संरक्षण देकर वहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में नमाज पढ़वाई जाए। और ये हिंदुओं का जेनोसाइड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में इस्लामिक